बाजार ने अभी तक तो बढ़िया तेजी दिखाई थी, लेकिन आज बाजार ने भी छुट्टी कर रखी। कैसे देख रहे हैं सर इस आज के मोमेंटम को, आज के मूवमेंट को जो कि डिप है, और ओवरऑल व्यू क्या है लॉन्गर टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, दोनों तरीके से बता दीजिए। सर लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ मार्केट को लेके। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप 1-2 महीने के लिए बोलेंगे तो मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली 3 to 4 या 5 ईयर्स में मार्केट में बहुत ही बड़ा बुल रन आने वाला है। एंड रिसेंटली जब हमने लास्ट बात किया था, लास्ट 25 अगस्त को, तब हमने बोला था कि मार्केट इधर से ऊपर नहीं जाएगा और इधर से नीचे नहीं जाएगा, एक मैंने लेवल बताया था आपको। सो आज तो मार्केट अप्रोक्स निफ्टी 125 नीचे है, तो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। बिकॉज अगर आज ऊपर रहता ना, तो मेरे को आज आके एडजस्टमेंट करना पड़ता जो हमने ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाया था। सो हमने जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाया था लास्ट, सो अभी तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं फ्राइडे को सोच रहा था कि आई थिंक मेरे को मंडे आना पड़ेगा, मंडे आने के बाद मेरे को वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिकॉज बहुत बढ़ गया था। लेकिन अभी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 150-200 पॉइंट का गिरावट आया, अभी भी 200 पॉइंट का गिरावट है। सो अभी लगता है कि नहीं, जो जैसे चल रहा था वैसे ही सब कुछ ठीक चल रहा है। और लास्ट सर 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है ना, निफ्टी एंड मार्केट जबरदस्त भाग गया है। सो मुझे लगता है ये छोटा सा करेक्शन है, अगर 16,500 से 9 18,000 तक भाग रहा है तो बढ़िया मूवमेंट है। सारे स्मॉल कैप, मीडियम कैप, जो कैप कंपनीज है, सारे सेक्टर्स में भी रिकवरी आए हैं। सो ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो हमारा था, बस उसमें कोई अभी चेंजेस नहीं मैं करूंगा। अगर जरूरत पड़े कमिंग 3 डेज में मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा मॉर्निंग में, अभी तक चेंजेस का कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने भी नहीं बताया। और मार्केट का अगर मैं बात बताऊंगा सर, मार्केट सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है। जो करेक्शन है मैं हेल्दी करेक्शन मान रहा हूँ, एंड एक करेक्शन भी मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। मार्केट को और भी नया ऊंचाई हाई में जाने के लिए ये करेक्शन बहुत ही जरूरी है। सो मुझे लगता है कि सर ये करेक्शन कितना नीचे आ सकता है, अभी 17,580 चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 17,200 आ सकता है, 200-300, 200-250 के, 200 से 300 के लेवल में एक बार आपको 1 से 2 दिन में दिखाई दे सकता है। और मंथली एक्सपायरी भी आने वाला है, सो इसीलिए थोड़ा मार्केट में प्रेशर है। और शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली वीक्स भी इंक्रीज हुआ है, वोलेटिलिटी भी मार्केट का भी इंक्रीज हुआ है। तो अभी यूएस का जो वीक्स है 20 है, तो दैट इज व्हाई मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट बहुत ही अच्छा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हमने देखा था कि नीचे आ गया, लेकिन जैसे ही मार्केट बाउंस बैक किया, स्मॉल कैप मिड कैप फिर से चलने लगा। सो सर मैं तो मार्केट को लेके फुल्ली पॉजिटिव ही हूँ। बाकी मेरे को एक जो सबके लिए बोलना है, एक बात जो मेरा मंत्रा भी है कि इन्वेस्ट आप कीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग भी करना है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कीजिए, आज खरीदो, 2 महीना बाद बेचो, 3 महीना बाद बेचो, ऐसे करके शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए कीजिए। बाकी इस मार्केट में ना इंटरडे ट्रेड करना, 1-2 दिन के ट्रेड करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, एंड आपका फंड एकदम खत्म भी हो सकता है। सो अगर आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, पोजिशन साइजिंग के साथ, बहुत एनालिस्ट को सुनिए, सबका व्यू लीजिए, लेकिन खुद थोड़ा सीखिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। बाकी सर यही बोलना था मुझे। ये राय व्यू निफ्टी ओवरऑल स्ट्रेटेजी सब बता दिया है प्रदीप जी ने।